आज के इस वीडियो में मैं आपको BTSC JEE से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो फुल जजमेंट को मैं आसान भाषा में हर एक पॉइंट को मैं शुरू से लेकर के अंत तक जो भी एक एक पॉइंट है सभी कुछ मैं आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिनसे कि आने वाले जो भी सारी वैकेंसीज होंगी या वीडियोज होंगी आसान भाषा में हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करते तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह है आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और जो फाइनल जजमेंट है वो ऑलरेडी आ चुका है। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर कर दिया, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया, आप लोग देख सुन लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। अभी मैं आपको डिटेल में इन जनरल आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो भी आसान भाषा में जितना हो सके मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देखोगे केस का जो अभी स्टेटस है डिस्पोज कर दिया गया है और यहाँ पर प्रेजेंट या लास्ट लिस्टेड ऑन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि जो इसकी जजमेंट होगा उससे पहले सुनवाई लिस्टिंग किया जाएगा और आज के डेट में लिस्टिंग हुआ। और कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि हो सकता है मैक्सिमम 90% चांस के आज के डेट में जजमेंट आ जाएगा और आज के डेट में इसका जजमेंट आ गया है फाइनली, जिसमें कि स्टेटस या स्टेज में आप यहां पर देखोगे डिस्पोज्ड, यहां पर केस को डिस्पोज कर दिया गया है, जिसमें कि यहां पर टोटल कितना मंथ लगा इसकी सुनवाई में सभी कुछ यहां पर डिटेल्स में दिया गया। और जो जजमेंट यहां पर दिया गया प्रोनाउंस बाय ऑनरेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ऑफ द बेंच कंप्राइजिंग ऑनरेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और मिस्टर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन दोनों जजेस के द्वारा ये जो है दिया गया। इसमें यहाँ पर डिस्प्ले टाइप यहाँ पर दिया गया लीव ग्रांटेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ, जिसका जो जजमेंट है यहाँ पर आप देखोगे 4/10/2024 के डेट में जजमेंट ऑफ मेन केस यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है और एक 4/10 के डेट में ही एक और PDF है और ये दोनों PDF जजमेंट का ही सेम है और इसमें एक दूसरा PDF है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फाइनल जजमेंट का वो भी PDF दिखा दूँगा। ये जो PDF है आज के डेट में ही यहाँ पर अपलोड किया गया, जो कि प्रोसीडिंग था जो 1502 नंबर आइटम का यहाँ पर आज जो सीरियल नंबर लिस्ट किया गया था, तो इसमें जो है जजमेंट के लिए लिस्ट किया गया था और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पर जो है लीव ग्रांटेड और दूसरा पॉइंट है ऑनरेबल मिस जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा हैज प्रोनाउंस द रिपोर्टेबल जजमेंट ऑफ द बेंच कंप्राइजिंग ऑनरेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड मिस लॉर्डशिप। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि 3 नंबर पॉइंट में द अपील्स आर डिस्पोज ऑफ इन टर्म्स ऑफ द रिपोर्टेबल जजमेंट और 4 नंबर पॉइंट में कि पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन सीकिंग इंटरवेंशन या इम्प्रूवमेंट शैल बी स्टैंड्स क्लोज। तो इस केस से रिलेटेड और भी अगर कोई यहाँ पर केस अगर फाइल हुए होंगे या जो भी केस होगा सभी केस को यहाँ पर स्टैंड्स क्लोज यानी कि सभी केस को बंद किया जाता है। और ये रहा इसका फाइनल मेन जजमेंट, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्टेबल मेन जजमेंट जो है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील जुरिडिक्शन, सिविल अपील नंबर यहाँ पर दिया गया SLP जो कि है 7257/2023, जिसमें कि यहाँ पर सभी का नाम दिया गया जो भी वर्सेज है, शशिभूषण प्रसाद सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार रिस्पोंडेंट है, जिसमें कि जो भी इसमें टैग थे अलग अलग जो SLP यहाँ पर दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में वो सभी को यहाँ पर टैग करके ये रहा आपका फाइनल जजमेंट, जो कि यहाँ पर पहला पॉइंट है लीव ग्रांटेड, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि द प्रेजेंट बैच ऑफ अपील्स अराइज और द जजमेंट डेटेड यहाँ पर 16th February 2023 पास्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द जुरिडिक्शन एट पटना इन सिविल रिट जुरिडिक्शन केस 3411/2022 CWJ। तो उसी केस के कारण से ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस आया है इसी केस को यहाँ पर मुद्दा बनाया गया था 34/11/2022 को और इसके आगे का जो भी इसमें एक एक चीज़ सभी कुछ डिटेल्स में लिखा गया। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि द प्रेजेंट मैटर बिगिंस विद द एसेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 012019 डेटेड 8 March 2019 बाय द बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा ये 6379 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे अलग अलग डिपार्टमेंट में एडवर्टाइज किया गया, जो एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर जो है आगे स्पेसिफाइड दैट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट जूनियर इंजीनियर में आपका जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन था डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और जो भी एडवर्टाइजमेंट में लिखा था सभी कुछ यहाँ पर सेम लिखा गया है। उसके इसमें जो पहला पॉइंट था इसके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन था जो कि AICT से अप्रूव्ड होना चाहिए इंस्टीट्यूट, वही लोग एलिजिबल थे। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर कोई नॉन डिस्टेंस मोड में कर रखे हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी से कर रखे हैं जो UGC एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया है वो लोग भी एलिजिबल होंगे, लेकिन जो ओनली UGC के अंदर में किए हैं वो लोग पहले एलिजिबल नहीं थे। तो जो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किए थे जो UGC से अप्रूव्ड था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, तो वो लोग जो है वो एलिजिबल थे अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार से, जो ये रूल था इसके अनुसार से UGC से जो किए थे डिप्लोमा वो लोग एलिजिबल थे, उन लोगों को यहाँ पर ACT का अप्रूवल के लिए
लिए उनको बोला गया, जिसके लिए हाई कोर्ट में जो केस था 3411 जो केस नंबर था ये यूजीसी से रिलेटेड ही किया गया था, जिसमें कि हाई कोर्ट उनको क्वैश कर दिया था रूल नंबर 91 और 3 इसको यहाँ पर इनकंसिस्टेंट विथ अदर्स यहाँ पर प्रोविजन के कारण से इसको यहाँ पर क्वैश कर दिया था, यानी कि उसको रिजेक्ट कर दिया था। और एक इसका केस भारतीदासन यूनिवर्सिटी और AICT के वर्सेस जो केस हुआ था, तो इस केस में भी जो UGC वाले हैं वो लोग यहाँ पर जीत गए थे, जिसमें कि इसका यहाँ पर मेंशन किया गया है कि द इट वाज हेल्ड दैट यूनिवर्सिटी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्योर व्यू ऑफ द टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एंड दस नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल्स फ्रॉम AICT बिफोर इंट्रोड्यूसिंग टेक्निकल या कोर्स या प्रोग्राम। इसके बाद ये इसका जो रिट पिटीशन था, यहाँ पर द रिट पिटीशनर्स रिलाइड ऑन पब्लिक नोटिस डेटेड जो कि यहाँ पर 9/2022 का इशूड बाय AICT टू द VC ऑफ ऑल सेंट्रल या स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी अबाउट AICT अप्रूवल 2022 था इसके लिए जो यहाँ पर जिसमें ये मेंशन किया गया था, जिसमें बताया गया कि जो भी ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो टेक्निकल कोर्स अगर चलाते हैं तो उनको AICT का कुछ जो यूनिवर्सिटी थे पार्शियल अप्रूवल लेते थे, AICT से कुछ नहीं लेते थे, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर AICT एक जो साफ साफ करके यहाँ पर बोला गया कि ऐसे जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर अकॉर्डिंगली ऑल यूनिवर्सिटीज आर हियर बाय इन्फॉर्म डैट इधर दे टेक फुल अप्रूवल ऑफ टेक्निकल कोर्सेस और दे कैन कंटिन्यू विदाउट अप्रूवल ऑफ AICT। तो यूनिवर्सिटी को AICT के द्वारा ये दे दिया गया था कि परमिशन कि या चाहे तो या तो फुल अप्रूवल ले टेक्निकल कोर्स चलाने के लिए या तो विदाउट अप्रूवल आप जो टेक्निकल कोर्स है वो चला सकते हैं। ये AICT के तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किया गया था जो इसके काउंटर एफिडेविट में ये यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया कि इसके कारण से इट इज़ रिलेवेंट डैट टू नोट डैट द स्टैंड ऑफ रिट पिटिशनर्स वॉज रिइंफोर्स्ड बाय द AICT बिफोर द हाई कोर्ट एज मेड एक्सप्लिक्ट बाय काउंटर एफिडेविट डेटेड यहाँ पर 12/5/2022 के डेट में विच रीड एज अंदर। ये काउंटर एफिडेविट यहाँ पर दिया गया था जिस काउंटर एफिडेविट में ये यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि अगर यहाँ पर जो AICT के द्वारा जो पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया अप्रूवल प्रोसेस का, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि सेंट्रल या स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी को यहाँ पर AICT के अप्रूवल की जरूरत नहीं है अगर वो ODL कोर्स ऑनलाइन या ODL कोर्स डिस्टेंस मोड में अगर चलाते हैं उसको छोड़ करके, तो उनको कोई भी टेक्निकल यहाँ पर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए अभी जो है यहाँ पर 3411/2022 केस में जो यहाँ पर केस किए गए थे UGC कैंडिडेट्स के द्वारा, तो UGC वाले केस में ही एक यहाँ पर मेंशन था, ऑर्डर दिया गया था 2/5/2019 को हाईकोर्ट के द्वारा, जिसमें BTSC वाज परमिटेड टू कंटिन्यू द सिलेक्शन प्रोसेस विथ द रिजल्ट टू बी केप्ट इन सील्ड कवर पेंडिंग द आउटकम ऑफ द प्रोसीडिंग्स। दिस ऑर्डर वॉज लेटर मॉडिफाइड बाय ऑर्डर डेटेड यहाँ पर 6/12/2019 को, जो कि CWSC नंबर 21/6/51/2018 वेयर द हाई कोर्ट अलाउड द सिलेक्शन प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड बट डायरेक्टेड दैट ऑल ऑर्डर्स ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट स्टेट दैट अपॉइंटमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशंस। तो जो भी यहाँ पर जो है ये 21/6/51 जो केस नंबर था इसमें बताया गया था कि जो भी आउटकम आएगा इस केस का ये इस पर प्रभावी होगा, जिसमें कि सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम एनी इक्विटी, जिसमें कि बाद में कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट अपना दावा नहीं कर सकता। ये जो केस नंबर है 98/87/2019 ये था आपका 40% वाला, 40% जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट से बिहार में कर रखे थे जो SBET के अंदर में थे वो लोगों के द्वारा जो केस किया गया था कि 40% में उन लोगों को भी यहाँ पर ऐड किया जाए, तो ये केस नंबर ये मेंशन है। यहाँ तक था आपका UGC से रिलेटेड, इसके बाद जो अकॉर्डिंगली यहाँ पर है ये आपको BTSC से जो कि 40% से रिलेटेड जो केस था उसका भी ये भी आपको 40% से रिलेटेड है, उसी में ये लिखा गया था जो कि जो फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था उस टाइम ये चीज़ लिख करके फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। तो अभी जो है जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं ये वेरी करेगा, अभी दिया गया है ऑर्डर कि जो भी आपका फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाने के उसके आगे यहाँ पर लिखा गया है 8 नंबर में अकॉर्डिंगली 2/4/2022 को BTSC पब्लिश्ड इट्स सिलेक्शन लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइज अंडर द एडवर्टाइजमेंट सिलेक्टेड लिस्ट एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वेयर ऑल्सो अलॉटेड टू ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इन कंप्लायंस विथ अप्रोप्रिएटेड इंटरिम ऑर्डर दैट द सिलेक्ट लिस्ट रिप्रोड्यूस द डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट इन ऑर्डर डेटेड 6/12/2019 को एंड एक्सप्लिट स्टेटेड दैट द सिलेक्ट लिस्ट शैल बी अफेक्टेड इन लाइट ऑफ द फाइनल ऑर्डर इन द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। तो ये जो है 40% का जो जजमेंट आया उसके कारण से बोला गया था फिर से जो फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पर भी सेम लिखा गया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 73/12/2021 ये भी आपका केस नंबर यहाँ पर 40% इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन जो मांगा गया था डिप्लोमा होल्डर्स के लिए स्टेट रन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट वाज फाउंड टू बी आर्बिट्रेरी एंड अनरीजनेबल कॉन्सिक्वेंटली
select list prepared in terms of rule 4A was set aside and the BTSC was directed to prepare a fresh list granting 40% institutional reservation to diploma holders from any polytechnic institute recognized by AICTE and affiliate with the State Board of Technical Institutions Bihar and located within state of Bihar. तो जो भी बिहार के अगर AICTE से अप्रूव्ड है और SBT से affiliated है और बिहार में अगर private polytechnic है अगर वो diploma course यहाँ पर चला रहे हैं तो उनको भी अब 40% में शामिल किया जाएगा। उसके बाद BTSC के द्वारा प्राइवेट पॉलिटेक्निक से जो भी पास किए थे 40% में उनका काउंसलिंग करा लिया गया, उनका जो फाइनल लिस्ट था वो ऑलरेडी लगभग तैयार हो गया था, जो कि यहाँ पर मेंशन है कि यहाँ पर जो है वो तैयार करके रिजल्ट सील्ड कवर में रख दिया गया था, जो कि लेकिन जब एक केस आया 7061 यहाँ पर 2022 का, इसमें एक जजमेंट यहाँ पर एक ऑर्डर दिया गया था कि जो आप रिजल्ट है वो कोर्ट के अनुमति के बिना जारी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जारी रख सकते हैं लेकिन जो रिजल्ट है वो कोर्ट के अनुमति के बिना जारी नहीं कर सकते हैं, जो 7061/2022 के केस में बोला गया था, जिसके कारण से जो फाइनल लिस्ट है वो पब्लिश नहीं हो पाया था। उसके बाद लिखा गया है कि 25/1/2023 को गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो भी यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग किया गया सेक्रेटरीज के द्वारा डिफरेंट वर्क्स डिपार्टमेंट टू कंसिडर लीगल इशू इमर्जिंग फ्रॉम द न्यूमेरियस पेंडिंग लिटिजेशंस अगेंस्ट द रूल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एंड द कंसिक्वेंट 4-year डिले इन अपॉइंटमेंट्स और डिसीजन वाज टेकन, यहाँ पर दिया जो कि बोला गया था कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है उसको कैंसिल करके एडवर्टाइजमेंट एंड इनिशिएट अप्रूवल फॉर द अमेंडमेंट रूल्स, नया रूल्स बनाने के लिए अमेंडमेंट उसको करने के लिए, जो 25/1/2023 का जो यहाँ पर डिसीजन था उसको ऑन रिकॉर्ड हाई कोर्ट में रखा गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और उसको परमिट किया गया कि आप नया रूल्स बनाइए यहाँ पर, जो कि 3411/2022 के केस में UGC वाले केस में ये जजमेंट यहाँ पर दिया गया था, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो जजमेंट उसमें दिया गया था वो सभी कुछ यहाँ पर सेम एज इट इज यहाँ पर मेंशन किया गया। जिसके बाद आगे यहाँ पर 30 नंबर पॉइंट पैरा में यहाँ पर जो इसके एडवोकेट्स थे पिटिशनर्स के सीनियर काउंसल ऑफ द अपीलेंट मिस्टर राजीव धवन, मिस्टर रंजीत कुमार, मिस मीनाक्षी अरोड़ा, ये सभी यहाँ पर अर्ज किए बिफोर दिस कोर्ट डैट के द्वारा बोला गया कि जो रिट पिटिशनर्स हैं ये सभी पार्टिसिपेट यहाँ पर किए थे सिलेक्शन प्रोसेस में अंडर एडवर्टाइजमेंट, वेयर बाउंड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वेशंस एंड देयरफॉर कुड नॉट हैव चैलेंज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट फैक्टो रिलायंस, यहाँ पर जो है कुछ जजमेंट को यहाँ पर जो पिटिशनर्स थे इनके द्वारा ये सभी जजमेंट्स को यहाँ पर लगाया गया, जिसमें ये बोला गया था कि द लर्न काउंसल फॉर द अपीलेंट्स ऑल्सो कंडक्टेड दैट द कैंसिलेशन ऑफ एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर इट्स कंप्लीशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल सिलेक्ट लिस्ट इज अनजस्टिफाइड एंड अमाउंट ऑफ चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विच इज इम्परमिसिबल, इसको ये जो केस है इसमें ये सभी कुछ यहाँ पर बोला गया था तो इसको यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया गया। उसके बाद UGC के जो प्राइवेट यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स के जो भी यहाँ पर लर्न्स काउंसल थे यानी कि UGC के जो वकील थे उनके द्वारा ये बोला गया कि अभी कैंसिलेशन ऑफ द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस ये जो है करना उचित नहीं है एट सच अ ट्रेजडी स्टेज, ये जो है एक यहाँ पर हादसा के रूप में होगा। जिसके बाद यहाँ पर बोला गया कि दे उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि स्टैंड ऑफ द AICTE बिफोर द हाई कोर्ट देयर एप्लीकेशंस वेयर एलिजिबल एंड शुड दस बी रिकंसिडरेबल अलॉन्ग विथ द एप्लीकेशंस ऑफ द अपीलेंट, यानी कि उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि जो भी अपीलेंट्स हैं उनका एप्लीकेशन को रिकंसिडर किया जाए और उनके साथ रिजल्ट बनाया जाए। उसके बाद यहाँ पर लर्न सीनियर काउंसल फॉर द स्टेट जो मिस्टर पटवालिया, इसके द्वारा यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया जा रहा था जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट को, तो इनके द्वारा सभी कुछ यहाँ पर बोला गया कि सिलेक्शन प्रोसेस कंसिडरिंग द न्यूमरस लीगल इशू, यहाँ पर बहुत सारे लीगल इशू चल रहे थे जो सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद जो इसका यहाँ पर रूल था एग्जिस्टिंग रूल था उसको रिपील कर लिया गया यानी कि उसको चेंज करके नया रूल यहाँ पर बना दिया गया, जो कि सबॉर्डिनेट इंजीनियरिंग यहाँ पर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कैडर का रूल था 2023 का न्यू रूल्स, यहाँ पर ये 1174/7/2023 को ये नया रूल बना दिया गया। उसके बाद 10/4/2023 को एक फ्रेश यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर लेटेड 21/2023 के सिलेक्शन अगेंस्ट 2252 वैकेंट पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, ये जो है आप लोग यहाँ पर देखोगे 10/4/2023 को यहाँ पर जो एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर रिलीज किया गया था जिसमें 2252 वैकेंसीज यहाँ पर ऐड किए गए थे, तो ये वैकेंसी अभी भी वैकेंट है, इससे पहले जो वैकेंसी थी उसको यहाँ पर ऐड करके आपको पता होगा करीब 8700 कुछ यहाँ पर 8700 से ज़्यादा ही वैकेंसी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट किया था जिसमें कि 2252 वैकेंसी ये ऐड किया गया था, और भी अभी जो वैकेंसीज हैं बहुत सारे ऐसे जो हैं जो रिटायर्ड हुए हैं वो भी सीटें जो अभी भी
भी वैकेंट, जिसके बाद मिस्टर पटवालिया जो है यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो इनके द्वारा की सिलेक्ट लिस्ट जो है पूरी तरीके से कभी पब्लिश हुआ ही नहीं था, बहुत चीज़ें इनके फाइनल सिलेक्ट लिस्ट वाज नीदर कंसिडर्ड बाय द हाई कोर्ट और नॉट पब्लिश्ड एंड देयरफॉर नो राइट टू अपॉइंटमेंट वेस्ट विद द अपेलेंट मेकिंग एनी क्लेम टू इक्विटी। उसके बाद यहाँ पर आगे 19 नंबर पैरा में है कि एट दिस स्टेट इट इज प्रिटेंट टू नोट दैट वाइल इशूइंग नोटिस दिस कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड यहाँ पर 24 अप्रैल 2023 को डायरेक्टेड मेंटेनेंस एट स्टेटस को, यहाँ पर जो है स्टे लगा दिया गया था 24 अप्रैल 2023 को जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसके बाद यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मेंशन है कि 9187 पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स रिमेंस वैकेंट, तो यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट मिला करके अभी जो है वर्तमान में 9187 पोस्ट जो है ये जूनियर इंजीनियर का अभी भी वैकेंट है, जिसमें से जो भी पुराना वैकेंसी था उसको यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा तो जो बच जाएगा वो अभी भी यहाँ पर वैकेंट यहाँ पर रहेगा, आने वाले दिनों में इस पर वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आप यहाँ पर देखोगे तो 9187 ये टोटल अभी यहाँ पर बताया गया और जो 6379 यहाँ पर जो सीटें पहले वैकेंसी थी तो अभी भी अगर आप देखोगे तो 2808 के करीब यहाँ पर वैकेंसीज अभी भी खाली है, जिसपे कि आने वाले दिनों में वैकेंसीज आएंगी। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो है जो बिहार सरकार को सख्त यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की ज़रूरत है और डे बाय डे यहाँ पर जो है जो इसका रिटायरमेंट्स बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर जो है इनकी जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो करेंटली 11.7% से यहाँ पर डिक्रीज़ है, इसकी जो कंटिन्यूसली इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो बिहार सरकार के द्वारा बोला गया कि जो भी कुछ जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बोला गया कि जो भी कुछ कोर्ट डायरेक्शन देंगी स्टेट गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। उसके बाद यहाँ तक 20 नंबर पैरा में बोला गया कि दोनों पक्षों के यहाँ पर वकील को सुना गया और उनको रिकॉर्ड में रखा गया। उसके बाद यहाँ पर जजेज के ओपिनियन है जिसमें ये मेंशन है एज एविडेंस द प्रेजेंट केस हैज अ सिक्योर्ड हिस्ट्री, यानी कि जैसा कि उपरोक्त साक्ष्य से पता चलता है कि वर्तमान मामले का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है या विचित्र तरीके से है, इनके ये जज के द्वारा यहाँ पर बोला गया। उसके बाद यहाँ से जो भी आगे मेंशन है ये सभी कुछ जजेज के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखे गए हैं कि इसमें जो है यूजीसी से रिलेटेड ही एक यहाँ पर जो मामला था ये फंस रहा था, जिसमें भारतीदासन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो AICTE का यहाँ पर गाइडलाइंस यहाँ पर दिया गया था 19 फरवरी 2022 को, तो इसको मद्देनज़र यहाँ पर रखते कंटिन्यू किया। जिसके बाद यहाँ पर वही बोला गया 40% में कि जो उसका सिलेक्ट लिस्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया और उसको बोला गया फिर से फ्रेश सिलेक्ट लिस्ट ये ऑर्डर दिया गया था 40% में कि जो भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक से पास किए हैं बिहार में उनको 40% में ऐड करते हुए फ्रेश मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाया जाए। जो लिस्ट जो है यहाँ पर कंसिक्यूटली द सिलेक्ट लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड ऑन 2 अप्रैल 2022 वाज इम्प्लीटली सेट असाइड एंड फाइनल सिलेक्ट लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय द BTSC इन कम्प्लायंस विद द ऑर्डर डेटेड 19/2022 बट द सेम वाज नॉट रिलीज, ये जो है रिलीज नहीं हो सका क्योंकि 7761 में ये ऑर्डर दे दिया गया था कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/9/2019 इज नियरली कम्प्लीशन, ये जो है कम्प्लीट होने को है, अंडर दिस सर्कमस्टेंस एज प्रेड फॉर वी ग्रांटेड 2 वीक्स टाइम फॉर फाइल रिप्लाई, इन द मीनवाइल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में कैरी ऑन बट द रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, इस दौरान जो कोर्ट का ये सिलेक्शन प्रोसेस है BTSC जारी रख सकता है लेकिन कोर्ट के अनुमति के बिना रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जा सकता। उसके बाद 19/4/2022 को जो 40% का जो यहाँ पर जजमेंट आया था उसको बोला गया कि उसको अभी तक चैलेंज नहीं किया गया है, यहाँ पर हैव नॉट अपीयर टू हैव बीन चैलेंज फर्दर एंड हैज़ अटेंड फिनेटली, यानी कि अभी तक वो जो है 40% का जो जजमेंट दिया था वो चैलेंज नहीं किया गया, यानी कि वो सही है अभी तक। इट इज स्टेटेड बाय द BTSC डैट द फाइनल सेलेक्ट लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड एंड केप्ट अंडर सील्ड कवर, तो उसको 40% को काउंसिलिंग भी करवा लिया गया था और उसको मद्देनजर रखते हुए जो उसका रिजल्ट है वो प्रिपेयर कर लिया था और उसको सील्ड कवर में यहाँ पर रखा है। जिस लिस्ट को निकालने के लिए अभी जो है हाई कोर्ट में जो रिट पिटिशनर्स है वाज विड्रॉन। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर पैरा में लिखा गया ड्यूरिंग द प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स वाइड ऑर्डर डेटेड 10/9/2024 दिस कोर्ट सॉट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनल सेलेक्ट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, से सील्ड कवर में जो लिस्ट है वो मांगा गया था उसको यहाँ पर देखा। उसके बाद आगे यहाँ पर मेंशन है कि प्रेजेंटली डिस्पाइट द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल सेलेक्ट लिस्ट विच सिग्नल द कंक्लूजन ऑफ द अपॉइंटमेंट प्रोसेस द स्टेट गवर्नमेंट सीक्स टू स्क्रैप द एंटायर प्रोसेस एंड अंडरटेक अ फ्रेश अपॉइंटमेंट प्रोसेस अंडर द न्यू रूल, तो यहाँ पर लिखा गया कि अगर अभी जो है प्रिपरेशन इसका फाइनल जो सिलेक्ट लिस्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पर बनाया जा चुका है जो कि अभी भविष्य तय करेगा
रहेगी अपॉइंटमेंट का। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहती है स्क्रैप रूल को स्क्रैप करके नए तरीके से पूरी एंटायर प्रोसेस को यहाँ पर अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया जाए नया रूल्स के तहत, जो कि कोर्ट के नज़र में यहाँ पर चेंजिंग द रूल ऑफ द गेम आफ्टर द गेम वॉज प्लेड, यानी कि खेल चालू होने के बाद खेल के नियम को बदला जाना ये जो है कोर्ट अनुमति नहीं दे सकता, इज इम्परमिसिबल एंड डिप्रीव्स द कैंडिडेट ऑफ देयर लेजिटिमेट राइट टू कंसिडरेशन अंडर प्रीवियस रूल्स, जिनके कैंडिडेट के जो यहाँ पर मौलिक अधिकार है उनका हनन यहाँ पर हो। उसके बाद बोला गया कि 2/4/2022 से पहले जो भी यहाँ पर हाईकोर्ट के जजमेंट आए थे किसी में भी उसका रिजल्ट को सेट असाइड यहाँ पर नहीं किया गया था। और रही बात AICT या UGC का स्पेसिफिकली, तो AICT के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया है कि इसका जो अप्रूवल है नॉट नेसेसरी है, यानी कि UGC से रिलेटेड इनका अप्रूवल जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि सिंस द ऑर्डर डेटेड 19/4/2022 जो यहाँ पर 73/1240% में यहाँ पर दिया गया था यहाँ पर जजमेंट, उसमें यहाँ पर दिया गया इन आवर ओपिनियन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वुड बी मेट इफ़ द स्टेट या कमीशन इज डायरेक्ट टू प्रिपेयर अ फ्रेश लिस्ट टू लिस्ट ऑफ मेरिटियस कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेटेड 8/2019 कीपिंग इन व्यू ऑफ द एवर फैक्ट्स एंड कीपिंग इन द व्यू दैट नो अपॉइंटमेंट्स टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर हैव बीन मेड सिंस लास्ट 10 ईयर्स। तो ये जो है यहाँ पर बोला गया है कि कोर्ट के नज़र में, यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बोला गया इन आवर ओपिनियन, यानी कि कोर्ट के नज़र में ये जो है स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट या कमीशन एक फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाया जाए जो कि मेरिटियस कैंडिडेट्स यहाँ पर जो भी एलिजिबल हो उनको यहाँ पर रखा जाए 8/2019 में जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था, और कीपिंग इन व्यू द एवर फैक्ट्स एंड कीपिंग इन व्यू डैट नो अपॉइंटमेंट्स, यहाँ पर फैक्ट्स के आधार पर और लास्ट 10 ईयर से अभी तक जूनियर इंजीनियर की कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं निकली है इसको भी मद्देनजर रखते हुए, हैंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डायरेक्टेड डैट अ फ्रेश सिलेक्शन लिस्ट फॉर द वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट इन एडवर्टाइज डेटेड 8/2019 बी प्रिपेयर्ड ऑफ द मेरिटियस कैंडिडेट्स कंसीडरिंग द एबव ऑब्जर्वेशन इन कंप्लायंस विथ द ऑर्डर डेटेड 19/4/2022 पास्ड बाय द हाईकोर्ट, जो कि 40% को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए एज पॉसिबल एंड प्रेफरेबली विद इन 3 months ऑफ दिस ऑर्डर। तो इसके बाद यहाँ पर ये सब इन कोर्ट का ओपिनियन था। इसके बाद यहाँ पर आगे और भी कुछ लिखा जिसमें कि कुछ कोर्ट के जो जजमेंट है उनको यहाँ पर लगाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए, उसका भी यहाँ पर सभी कुछ मेंशन है, आप चाहे तो इसको पढ़ सक, जिसमें ये बोला गया था कि ऑफ द गेम वेयर चेंज्ड बट दे वेयर चेंज्ड आफ्टर गेम हैड बीन प्लेड एंड द रिजल्ट ऑफ द गेम वेयर बींग अवेटेड दैट इज अनएक्सेप्टेबल एंड इम्परमिसिव। उसके बाद यहाँ पर फाइनल जो कोर्ट है अपना डिसीजन सुनाती है जिसमें कि ये मेंशन है देयरफॉर इन द लाइट of aforenoted position the state action of scrapping the entire selection process is not permissible, जिसमें कि ये बोला गया है कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये जो कोर्ट है यहाँ पर स्क्रैपिंग द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस को एक्सेप्ट यहाँ पर अलाउ नहीं करेगी, परमिसिबल यानी कि पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को यहाँ पर रद्द करते हुए नया सिलेक्शन प्रोसेस को अलाउ नहीं करेगी। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि बहुत दिनों से यहाँ पर काफ़ी ह्यूज नंबर वैकेंट पोस्ट है जो कि गवर्नमेंट्स को फंक्शनिंग में दिक्कत करेगी, द कोर्ट्स फाइंड इट्स अप्रोप्रिएट फॉर द स्टेट या BTSC टू प्रोसीड विद द फ्रेश सिलेक्ट लिस्ट सबमिटेड इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर डेटेड 19/7/2022 इन CWJC नंबर 73/12/2021 विच हैज अटेंड फिनेटली एज ऑल्सो टेकिंग इन टू कंसिडरेशन एज फार एज पॉसिबल द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु वेयर फाउंड सक्सेसफुल हेंस द फ्रेश सिलेक्ट लिस्ट मस्ट बी अप्रोप्रिएटली रिवाइज इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से नया फ्रेश लिस्ट को यहाँ पर बनाने के लिए बोला गया है जिसमें कि पहला पैरा है द फ्रेश सिलेक्ट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड इन व्यू ऑफ ऑर्डर डेटेड 19/4/2022 यानी कि 40% को ध्यान में रखते हुए फ्रेश मेरिट लिस्ट को बनाना है। दूसरा यहाँ पर कि द फ्रेश सेलेक्ट लिस्ट शैल ऑल्सो इंक्लूड एज फार एज पॉसिबल दोज मेरिटियस कैंडिडेट हु वेयर अदरवाइज एलिजिबल बट वेयर डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल स्लोली ऑन अकाउंट ऑफ द 2017 अमेंडमेंट टू द रूल्स डैट इज ऑन अकाउंट ऑफ देयर इंस्टीट्यूट नॉट बींग रिकॉग्नाइज बाय द AICT एंड ऑल सिमिलरली प्लेस्ड सक्सेसफुल कैंडिडेट। दूसरा यहाँ पर यह बोला गया है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं फ्रेश सिलेक्ट लिस्ट में वैसे भी कैंडिडेट होने चाहिए एज फॉर एज पॉसिबल जहाँ तक हो सकता है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर AICT के अप्रूवल के बिना जो एलिजिबल अभी हैं लेकिन उसको इनिजिबल कर दिया गया था उनको भी ऐड करते हुए
लिए यहाँ पर दिया जाए। उसके बाद आगे का यहाँ पर पैरा है, द बीटीएससी इज डायरेक्टेड टू प्रिपेयर द रिवाइज सिलेक्ट लिस्ट विद इन 3 months ऑफ दिस ऑर्डर एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू एक्ट अपन द रिवाइज सिलेक्ट लिस्ट सबमिटेड बाय द कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days देयर आफ्टर। तो यहाँ पर इसके बाद ये लास्ट ऑर्डर है कि बीटीएससी को 3 month के अंदर में नया फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया है, और जब इसका फ्रेश मेरिट लिस्ट बन जाए उसके 30 दिनों के अंदर सरकार को उस पर काम करने के लिए यानी कि उसका ज्वाइनिंग करवाने के लिए यहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर पॉइंट, अकॉर्डिंगली द प्रेजेंट अपील्स आर डिस्पोज ऑफ विथ द एफरनोटेड डायरेक्शन। ये सभी आदेश के साथ इस केस को यहाँ पर ख़त्म किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। तो ये था इस केस की पूरी कहानी जर्नी, जो कि शुरू से मैंने आपको बताया था कि जो इसका जजमेंट आएगा तो उसमें शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी सारी चीज़ें हुई होंगी वो सभी कुछ उसमें मेंशन रहेगा। तो ये सभी कुछ जो भी जजमेंट में था मैंने आपको एक अच्छे आसान भाषा में बताने की कोशिश किया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा।